हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय भंडारी। देखिए, आज हम कल के लिए निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या संभावनाएं रह सकती है निफ्टी में। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। और देखिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा हेजिंग स्ट्रेटजी, इसमें जरूर जुड़िए, जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ये ब्लॉग है विनय भंडारी blog.com, इसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, व्हाट्सअप नंबर है 9699646408। तो सारे प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सके एजुकेशन पर्पस के हिसाब से। ओके, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे एक बार निफ्टी का। तो हम सबसे पहले चार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये आ गए हम अपने इंट्राडे के चार्ट्स में। तो अगर हम देखते हैं, निफ्टी ने हमें एक बाय सिग्नल यहाँ, सॉरी सेल सिग्नल दिया और उसने अपना काम करके दिया नीचे की तरफ। फिर यहाँ एक बाय मिला तो उसने भी थोड़ा बहुत हमारे को काम करके दिया, एटलीस्ट लॉस नहीं दिया है, कुछ ना कुछ हमारे को प्रॉफिट निकाल के दिया है बाय सिग्नल ने भी। सेल सिग्नल ने तो काफ़ी अच्छा काम किया, सुबह ही सेल सिग्नल हमें मिला, उसके बाद बाय सिग्नल ने भी हमारे को काम करके दिया ये। ओके, तो ये हो गया 11,200 के आसपास, 124। चलिए देखिए, एक काम और करते हैं, डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में अभी भी बाय दिखा रहा निफ्टी। डेली चार्ट में क्या है, निफ्टी अभी भी हमें बाय का ही साइन दिखा रहा है। ओके, तो हमने डेली चार्ट में बाय है तो बाय करके ही, अभी तक बाय करके ही काम करना है। लेकिन बाय के लिए रेंज पकड़नी है हमने, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ओपन हो तो हम बाय कर लें। बाय के लिए एक प्रॉपर टाइम पे बाय किया जाता है, जहाँ पर हमें एग्जिट जल्दी मिल जाए, जल्दी से प्रॉफिट बुक करके हम एग्जिट ले सकें। तो इसीलिए हमने वहाँ पर बाय करना है, उस कंडीशन में ही बाय करना है जहाँ पर हमारे को एग्जिट जल्दी मिले। तो मैं तो यही कहूँगा, गैप डाउन ओपन होता है तो बाय करके काम कर सकते हैं, प्रॉफिट मिलता है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जिट लेना चाहिए। अब कल के लिए डेटा जो है इंटरडे में सेल दिखा रहा है, बाकी डेली पे बाय है, वीकली पे भी बाय है। वीकली पे भी देख लेते हैं, वीकली पे तो बाय है, पहले से ही बाय बना है तो यहाँ बाय दिखेगा। ये देखिए, वीकली में यहाँ बाय दिया था तो अभी तक कंटिन्यू बाय में ही है वीकली में निफ्टी। तो हमारे को अगर बाय दिया है तो हमने शॉर्ट नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन ऑप्शंस का डेटा देखना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये हो गया चार्ट अपना, हम क्या करेंगे, ऑप्शंस का डेटा भी देखेंगे। तो ऑप्शंस का डेटा में हम चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में, वहाँ जाके देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन में चलते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी बाय विनय भंडारी, इसमें जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर जुड़ सकते हैं आप, फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है आपके। जुड़ के आप थोड़ा बहुत जो भी बेनिफिट एजुकेशन के हिसाब से मिलता है वो आप ले सकते हैं। ओके, तो टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िएगा, हेजिंग स्ट्रेटजी बाय विनय भंडारी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा, सॉरी टेलीग्राम में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए, ये निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 11,131 के पास में, तो हम चलते हैं 131,100 के पास में चलते हैं, थोड़ा सा एट द मनी के पास में देख लेते हैं क्या हुआ है। 11,131,100, 150 के आसपास आ गए हम, यहाँ देखते हैं क्या है। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 11,100 के पास में कॉल राइटिंग है, यहाँ पर 2,96,000 और 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट इधर है। 150 में भी राइटिंग है, 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 200, ओके 11,200 में देखेंगे तो बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है और आज राइटिंग भी करीब 12 लाख के आसपास राइटिंग हुई है। तो आप ये समझ लीजिए, अभी 11,200 जाने से तो रहा थोड़े टाइम के, टाइमिंग ऐसा लगता है कि 11,200 नहीं जाएगा, 19,04,00,000। ओके, पुट साइड का डेटा भी एक बार देख लेते हैं, कॉल साइड का डेटा अच्छा है, अच्छा मीन सेंस कि शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। कॉल साइड का डेटा हमें बता रहा है कि हम शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा डेली चार्ट पे बाय है, ये बात भी ध्यान रखना, डेली चार्ट पे बाय, इंट्राडे में शॉर्ट आया, थोड़ा बहुत शॉर्ट करके जो है हमें, अब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे मिल जाएगा बाजार, थोड़ा बहुत हमें नीचे मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, पुट साइड का डेटा पहले देखेंगे, फिर बाद में हम निकालेंगे कि क्या करना है। 100, ओके देखिए, यहाँ पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ है थोड़ा, यहाँ पे फ्रेश पुट बाइंग है।
यहाँ पे फिर लॉन्ग कटे हैं, फिर से पुट राइटिंग नीचे की तरफ। ओके तो देखिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है बाजार, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा। 11,41,00,000। ओके ग्यारह लाख 11,000। ओके देखिए अब मैं बताता हूँ काम कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी है काम करना। कल के लिए अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइस राय लेके करिएगा, हमेशा हम आपसे कहते हैं केवल हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से जुड़िए। हम क्या काम करेंगे कल, अभी हम हैं 11,131 के पास में हैं सही। अभी जो निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है, जैसे मैंने पहले भी आपसे बोला था कि रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है और रिलायंस काफ़ी मजबूत दिखा रहा है, काफ़ी मजबूती दिखा रहा है, इस वजह से निफ्टी में करेक्शन नहीं आ रहा है सही है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा करेक्शन आज मिला है आपको, लेकिन निफ्टी में उसके अगेंस्ट में बहुत कम करेक्शन, ना के बराबर ही आप समझिए। तो निफ्टी में अगर हम काम करते हैं तो 11,131 के पास में है, मीन्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कहीं हैं हम 11,150 के आसपास। तो यहाँ पे अगर मैं कल की बात करूँ तो कल अगर हम अपनी बात करेंगे तो शॉर्ट करके काम करना पसंद करेंगे कल हम। शॉर्ट करने के बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा 11,050 इसके पास में रहेगा। 11,050 ये हमारा टारगेट रहेगा, 11,050 इसके आसपास का हम टारगेट लेके निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा SL वो आ जाएगा 11,207 का, 11,200। जैसा कि हमें लगता है, क्या लगता है कि 11,200 के ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए हमने 11,200 के आसपास का स्टॉप लॉस ले लिया है। 11,207 के स्टॉप लॉस से हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे कल के लिए। 11,050 का हमारा टारगेट रहेगा। अच्छा अगर गैप अप मिल जाता है, देखिए अभी हम है 131 के पास में, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम 200 के ऊपर ओपन हों, ऐसा भी हो सकता है कि 200 के ऊपर ओपन हो। अगर हम 200 के ऊपर ओपन होते हैं, गैप अप भी मिलता है तो भी हम शॉर्ट ही करेंगे, तो भी हम शॉर्ट करेंगे, तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस फिर चेंज हो जाएगा। उस केस में अगर गैप अप मिलता है 200, 200 के ऊपर गैप अप मिलता है तो स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 11,257 का, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा उस केस में, अगर कल गैप अप मिला तो। नहीं मिलता है गैप अप, अगर थोड़ा सा 10-20-25 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होता है तो उस केस में हम शॉर्ट करके नीचे में 11,050 के टारगेट के लिए काम करेंगे, ऐसा हमें लगता है। और जरूरी नहीं है कि हम सही हो, गलत भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत हो। तो आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइस राय लेके करिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो भी नए लोग हैं। ओके देखिए जो पुराने लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे पुराने फैमिली के मेंबर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करिए, और शेयर्स कर देना अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा टाइम रहे आपके पास तो शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।